बिग बॉस के मेकर्स एक बार फिर से वही गलती करने जा रहे हैं जिसके वजह से पिछले कई समय से उन्हें फटकार पड़ रही है सोशल मीडिया पर। जी हाँ, जनता बिग बॉस से खफा है, बिग बॉस के मेकर्स से खफा है और उनके इस बायस्ड बिहेवियर से खफा है। बिग बॉस के मेकर्स एक के बाद एक गलतियां करते चले जा रहे हैं और इस बार सबसे बड़ी गलती जो है वो है वोटिंग लाइंस ओपन ना करने की। जी हाँ, हम सभी जानते हैं इस वक्त राजीव को छोड़कर और घर के वीआईपी कंटेस्टेंट्स को छोड़कर बाकी सभी लोग नॉमिनेटेड हैं। कल के दिन हमने देखा किस तरीके से राजीव बच गए टास्क के दौरान और बाकी सभी यानी उमर, शमिता, निशांत, प्रतीक, करण, तेजस्वी ये सभी लोग नॉमिनेटेड हैं और ऐसे में इनमें से कोई एक इविक्ट हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक वोटिंग लाइंस को ओपन नहीं किया गया है। जी हाँ, वोटिंग लाइंस ओपन नहीं है जिसकी वजह से फैंस इस बात पर गुस्सा कर रहे हैं। अगर ये रियलिटी शो है, जनता की राय इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जनता किसे पसंद करती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर भला ये कैसे पॉसिबल है कि 10 हफ्ते पूरे होने को आ गए हैं, ये 11वां हफ्ता शुरू हो चुका है लेकिन मेकर्स ने वोटिंग लाइंस ओपन नहीं की है अब तक इस हफ्ते के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए। ये बात जनता को हजम नहीं हो रही है। पिछले वीकेंड का वार पर सलमान ने आकर इस बात बारे में घोषणा की थी कि इस हफ्ते वीकेंड पर कोई इविक्ट नहीं हुआ लेकिन मिड वीक इविक्शन जरूर होगा और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि मेकर्स एक बार फिर से घर के सदस्यों को ही ये जिम्मेदारी सौंपेंगे किसी एक कंटेस्टेंट को निकालने की। जी हाँ, जब सिम्बा का इविक्शन हुआ था तब भी घर के कंटेस्टेंट्स ने डिसाइड किया था, जब इविक्शन हुआ था जय भानुशाली का तब भी घर के कंटेस्टेंट्स ने ही इस बारे में जिम्मेदारी ली थी, इस बारे में डिसीजन लिया था। विशाल कोठियान का इविक्शन भी ऐसे ही हुआ, कहीं ना कहीं विधि और डोनाल्ड बिष्ट का भी इविक्शन ऐसे ही हुआ। सो ये बायस तरीके से जो इविक्शंस हो रहे हैं घर के अंदर, एक बार फिर से इविक्शन की जिम्मेदारी और इविक्शन की सारी नर्वसनेस जो है वो घर के सदस्यों को सौंप दी जाएगी। तो ऐसे में ये किस कदर का रियलिटी शो हुआ, ये जनता सवाल उठा रही है मेकर्स पर। आपको क्या है कहना इस पर, आप बताइएगा हमें कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है मिड वीक शॉकिंग इविक्शन।